एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आप वन साइड की फायर बटन किस तरह से डिसेबल कर सकते हैं या फिर मैं कहूं हाइड कर सकते हैं पबजी मोबाइल गेम में। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। यहां पर मैं सेटिंग्स में गया, कंट्रोल्स में गया, कस्टमाइज में गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फायर बटन है। वैसे हम ज़्यादातर अगर फोर फिंगर या थ्री फिंगर से खेलते हैं पबजी गेम तो जो दो बटने होती है तो दो में से एक की ट्रांसपेरेंसी पूरी वो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम कर देते हैं और एक ही हम ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी दूसरी बटन ना दिखाई दे और ख़राब ना लगे देखने में हमारा कंट्रोल, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर ये जो एक बटन आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा, उसको कैसे डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, सेटिंग्स में जाना है पबजी मोबाइल गेम की जैसे नॉर्मली हम जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ बैक और फिर यहाँ पे हम जाएंगे ऊपर बेसिक्स में। बेसिक्स में जाने के बाद फिर यहाँ पे हमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन, तो इसे कर देंगे क्लोज, ठीक है। इसको क्लोज करने के बाद फिर हम वापस ओपन करेंगे यहाँ से कंट्रोल्स और कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तो ये बटने दिख रही है, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे बेसिक में हम गए तो यहाँ पे क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये जो आप देख सकते हैं ना यहाँ पर फायर बटन दिखाई देगी, मैं दोनों की ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए गायब हुई है कि नहीं। तो चलिए अब गेम स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पर जो दिखा रहा था दोनों बटने, लेकिन जब आप गेम स्टार्ट करेंगे ना तब आपको यहाँ पे सिर्फ एक बटन दिखाई देगी फायर की, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं गया सेटिंग्स में और यहाँ पर हम जाएंगे कंट्रोल्स में, कस्टमाइज में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाली बटन दिखाई दे रही है, ये है हमारी बटन, ठीक है। तो ये वाली गायब हो चुकी है, तो इस तरह से आप एक बटन रिमूव कर सकते हैं और आप काफ़ी अच्छा कस्टमाइज कर सकते हैं फोर फिंगर क्लॉ या थ्री फिंगर क्लॉ जो भी आप करना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि हम हटाना चाहते हैं एक बटन और मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा भी था ये सवाल कि हम एक फायर बटन को हटा सकते हैं, तो ये रहा आपके सामने जवाब, जी हाँ हम हटा सकते हैं और टेक्निक भी मैंने आपको बता दी है किस तरह से आप हटा सकते हैं एक फायर बटन। तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे यही बताना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।